हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एंडलेस रोस्टर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टोरी टाइम की। तो हमने इंस्टाग्राम पे पोल डाला और पोल में आप लोगों ने चुना स्टोरी टाइम को, क्योंकि उसके सामने मैंने रख दिया था टीवी एड्स का रोस्ट। और टीवी एड्स के रोस्ट से तो आपको यूं इस लेवल की दुश्मनी है कि आपने तो उसे वोट के नाम पे 2-3 लोगों ने उसे क्लिक कर दिया, और ये बहुत बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि पिछले बार 3 बार से डाल रही हूँ उसका ऑप्शन, बट आप लोगों को वो देखना नहीं है। पर खैर, जो आपको देखना है मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन हिट कर दीजिए। और साथ ही साथ अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे जाके वहाँ भी फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कई सारे पोल्स वहाँ डालती हूँ, आप मुझे बता पाएंगे बहुत आसानी से। इसके अलावा DM कर पाएंगे और भी कई ऑप्शंस हैं आपके पास। तो जल्दी से जाओ, मुझे फॉलो करो, चैनल सब्सक्राइब करो और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं हमारी वीडियो को। तो मैडम, बात है कुछ 2000 करोड़ साल पहले की, जब हम स्कूल में हुआ करते थे। तो स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ हमने बहुत सारे उल्टी सीधी हरकतें करी हैं, और उसकी बहुत सारी स्टोरीज मेरे पास और आपके पास, हम सबके पास हैं। तो ऐसी ही एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो था फूड कोर्ट। तो हम सभी को कभी ना कभी अगर मौका मिल जाए कि स्कूल में हमें फूड कोर्ट लगाने को मिले, तो हम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं इस बात को सुन के। और ऐसा ही हमारे साथ हुआ जब हमारी क्लास को मौका मिला। हमारी टीचर्स ने जब हमें बताया कि हमें वोट लगाना है, तो हम बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। हमारी क्लास के हमारी जितनी भी रोज थी, हर रो को मैम ने बोल दिया कि ये रो अपने वातों हमारी टीम है। अब मेरी रो में मैं और मेरी 2 फ्रेंड्स के अलावा बाकी कोई भी लड़की नहीं थी, पूरी रो में सिर्फ और सिर्फ लड़के थे, और मैं फर्स्ट बेंचर रही हूँ स्टार्टिंग से। तो आपको मेरी स्टोरीज में कभी भी बैक बेंचर स्टोरीज तो मिलने वाली नहीं है, आपको हमेशा फर्स्ट बेंचर स्टोरीज मिलने वाली हैं। और ये शायद आपके लिए कुछ नया होगा, क्योंकि यार जिसको देखो वो बैक बेंचर स्टोरी सुनाता रहता है। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। और अभी बात कर रहे थे हम फूड कोर्ट के बारे में। तो हम तीनों के अलावा और कोई भी उस ग्रुप में लड़की नहीं थी, और मुझे कतई उम्मीदें नहीं थी कि मेरे क्लास के या मेरे ग्रुप के जितने भी लड़के थे उनमें से कोई भी कुछ भी मेरी मदद करने वाला था हमारे फूड कोर्ट में। तो आगे चलते हुए अब जब प्रोसेस शुरू हुआ फूड कोर्ट का, तो हम तीनों ने इनफैक्ट मिलकर डिसाइड किया कि हमें क्या क्या बनाना है। उसमें डिसीजन में आया कि हमने अपनी कुछ सिंपल सी इजी वाली चीज़ें चुन ली, जो हम बहुत अच्छा बना सकते हैं और बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो उसमें जो सेलेक्ट हुआ वो थी एक मटर की चाट और कॉफ़ी। कॉफ़ी की जिम्मेदारी मेरी थी, चाट की जिम्मेदारी मेरी फ्रेंड की थी, जिसका नाम मैं नहीं लूँगी। उसको मैं सिर्फ कुछ कॉमन नेम्स जैसे कि मोटी, बाल्टी, इस तरीके से मैं उन्हें प्रोनाउंस करने वाली हूँ। अपना नाम मैं नहीं बताने वाली हूँ आप लोगों को। अगर वो लोग देख रहे हैं वीडियो देन वेरी गुड, क्योंकि बाकी चांसेस बहुत कम है। तो अब मोटी की वो डिश मुझे पसंद थी, तो हमने डिसाइड किया था कि हम वही बनाएंगे। और एक बार मोटी आई थी घर पे, तो उसे मेरी कॉफ़ी पसंद आई थी, तो उसने डिसाइड किया कि कॉफ़ी भी बनेगी। अब इसके बाद डिसीजन चल रहा था, सब सही से हो रहा था, सबने काम डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, कौन क्या लाएगा ये सब भी अच्छे से तय हो गया। अब बारी आती है कि जितना सारा काम है, अब उस काम को अच्छे से जब डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो कुछ ऐसे महान, मैंने बताया कि क्लास में लड़के जो हैं वो इस चीज़ में कतई इंटरेस्टेड नहीं थे कि वो काम करेंगे, उन्हें तो बस मन एक ही चीज़ सूझ रही थी कि वो फूड कोर्ट वाले दिन हर एक स्टॉल पे जाके बड़े मज़े से खाने वाले हैं, एंड दैट वाज देयर ओनली एम। तो उन लोगों ने सीधे सीधे हमें कह दिया कि भाई बनाना तुम लोगों को, जो भी खर्चा होगा हम सब मिल बांट के कर लेंगे। एंड वी वर ओके, क्योंकि अगर वो लोग मदद करते हैं तो फिर खाना नहीं डिजास्टर होता। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। तो आगे बढ़ते हुए फिर हमने सब कुछ कर लिया, सारा डिसीजन हो गया। अब आ गया वो दिन जिस दिन हमें फूड कोर्ट मेनली लगाना था। पर ये नॉर्मल, वो कहते हैं ना, आपके नॉर्मल टीवी सीरियल का स्कूल नहीं है जहाँ पे वैसे फूड कोर्ट लगाने के लिए आपको स्टेज मिलेगा, और जहाँ आपको पूरा अच्छे से करने के लिए लोग गेस्ट आएंगे और पेरेंट्स आएंगे, इस तरीके से कुछ नहीं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होना था हमारे टाइम पे। हमारे टाइम पे हुआ क्या, हमने जब क्लास में पूरा सेटअप किया, हमारी क्लासेस जो थी उसी में हमें अपना वहीं बैठ के पूरा बनाना था, और बनाने के बाद हमारे पास कोई भी आउटसाइडर नहीं आने वाला था। हमारे स्कूल की जितनी टीचर्स थी हमें बस उन्हें खिलाना था, एंड दैट आल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। इससे बेहतर बात क्या हो सकती है। लेटर ऑन स्कूल ने पॉलिसीज बदली, लेकिन हमारे साल में तो यही हुआ था। हमने सारी चीज़ें इतनी मेहनत से बनाई, सब कुछ किया, और हाँ वो बिगड़ा नहीं था, वो सब कुछ बहुत अच्छा भी बना था, क्योंकि हम बनाने के साथ साथ चख भी रहे थे, तो ऐसी बेवकूफ़ी होने वाली थी नहीं।
तब सब कुछ अच्छे से बन गया, सारी चीजें हो गई। अब आ जाती है बारी कि अब हमें एक एक टीचर को देना है। अब एक एक टीचर को ढूंढ ढूंढ के पूरे स्कूल में बांटना है और अपनी क्लास के सारे लोगों को जाना है, जाके उनको देना है। और ये इतना भी आसान टास्क नहीं होता। कोई टीचर कभी स्टाफ रूम में है, थोड़ी देर बाद वो अपनी क्लासरूम में पहुंच गई, मतलब जब तक किसी टीचर को हम डबल दे देंगे और कोई टीचर हम इससे छूट सकती थी। तो फिर भी हमने शुरू किया और ये सब करने को टाइम मिला था हमें लंच के बाद वाला। और ये सब काम करने के लिए हमने मतलब बहुत सारी प्लानिंग की, लेकिन कुछ भी हमारे हिसाब से नहीं जा रहा था। हमने शुरुआत कर दी, हमने सबसे पहले पहुंच के अपनी क्लास टीचर को दे दिया। क्लास टीचर को देने के बाद हम प्रिंसिपल, डायरेक्टर, जो भी हमें मिले, जो भी मेन सेक्शन था, वहाँ जाकर रिसेप्शन एरिया में हम देकर आए। लेटर ऑन फिर हमने आके सोचा कि चलो एक एक करके क्लासरूम में जाते हैं और उन सबको देते हैं। अब अगर हम सारे के सारे चले जाते तो हमारा जो भी खाना थोड़ा बहुत जो भी हमारे पास स्टॉक में हमने रख रखा था, हमारे क्लास में रख रखा था, उसे देखने के लिए भी तो कोई चाहिए। तो हमने सोचा कि क्यों ना इन क्लास के जो क्योंकि कोई ना कोई तो चाहिए ही होता है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि स्कूल के सारे बच्चे कैसे होते हैं, स्पेशली आपके खुद के क्लास के बच्चे कैसे होते हैं। एक नंबर के भुक्कड़ जो कि टोटल चोर, टोटल खा जाएंगे आपका सारी डिश और आपको कानो कान खबर नहीं होगी। तो ये सोच के आपने सोचा कि क्यों ना हम अपनी टीम के जो लड़के हमारी कोई मदद नहीं कर रहे हैं, जो थोड़ा बहुत पैसे देना या कुछ सामान ला के दे देना, दैट इज द ओनली थिंग जो उनने करा था, उन्हीं लोग को हमने काम सौंप दिया। मैंने लंबू को कह दिया कि भाई तू ध्यान रखना, मैं यहाँ पे भी रियल नेम यूज नहीं कर रही हूँ, तो मैंने बोला कि ना यहाँ पे ध्यान रखना कि हम रख रहे हैं कि ना ही कोई इसको ले, ना कोई छेड़े, ना कोई वेस्ट करे, ना कुछ हो। तो इसके अलावा और भी काफ़ी जिम्मेदारी हम उसको दे के हम तीनों निकल ली और हम तीनों ने जाके हर एक क्लास में जा जा के टीचर्स को दिया। वापस आए, अब एक एक करके जाते रहे आते रहे, हमने ध्यान नहीं दिया कि कम हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, क्या है, एंड में ख़त्म हो गया। और हमारे हिसाब से हम सभी टीचर्स को दे चुके थे, फ्रॉम प्रिंसिपल टू आवर क्लास टीचर टू ऑल अदर टीचर्स जिनसे हमने पढ़ा, इसके अलावा हर क्लास की टीचर को जा जा के हमने दिया। अब वो सब हो गया, अब हम भी खुश, हम भी सेटिस्फाइड, हाँ, लेकिन हम दुखी थे क्योंकि हमें बिल्कुल भी कुछ खाने को नहीं मिला था। भाई इतना खर्च किया, इतनी मेहनत करी है, 2 घंटे तक मतलब बैठ के हम बना रहे थे क्लासरूम में और हमने चखने से ज्यादा कुछ नहीं खाया। एक एक चम्मच हमने टेस्ट किया है अपनी कॉफी को, अपने चाट को और बाकी जो भी बाकी क्लासमेट्स ने बनाया था, थोड़ा बहुत एक एक स्पून सबने अपना अपना चेक किया था, लेकिन खाने को खुद को कुछ नहीं मिला था। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं। और इसमें महान बात ये थी कि हम में से कोई भी लंच लेकर नहीं आता था, क्योंकि हमने सोचा था कि फूड कोर्ट लगा रहे हैं तो खाना तो हो ही जाएगा, लेकिन ऐसा होता कहाँ है। तो हमें लगा था कि इससे सब कुछ सही चलेगा। कुछ कुछ टीचर्स ने तो बार बार लिया था हमारी डिश क्योंकि उन्हें पसंद आई थी और ये एक्चुअली में बात हमें बहुत अच्छी लगी थी। और कुछ टीचर्स उन लोगों बस एक चम्मच ये दो वाला नाटक कर रहे थे। मैं एग्जैक्ट किसी का नाम नहीं लेने वाली क्योंकि मेरी टीचर्स मेरी वीडियो देखती हैं। सो आगे की बात करते हैं। तो अब सबको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वापस आ गए, सारा खाना खत्म हो गया। अब भाई अगले पीरियड से मैम ने बोला अब नॉर्मल पढ़ाई होगी ना, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट जब मैम आई तो मैम भड़की हुई, मतलब हम लोग भी परेशान भी, हमने इतने मजे से सब कुछ किया, मैम को हुआ क्या। मैम कहती हैं कि आप लोग नर्सरी केजी यूकेजी के टीचर्स को कुछ दिए ही नहीं, उनको सब कुछ देना ही भूल गए। अब मैंने याद किया कि हाँ भाई हमारे उस समय 12 बजे के आसपास का टाइम होता है और उस समय जो होता है उन छोटे बच्चों की छुट्टी होती है, तो वो सारी टीचर्स उनको वो बाहर गई थी उनको गेट तक ड्रॉप करने के लिए, सो दैट सारे बच्चे पेरेंट्स के साथ आसानी से चले जाए। तो वो टीचर्स मिस हो गई हमसे, ये हमारे ग्रुप ने रियलाइज कर लिया था। और हम तो मैम ने मैम को ये भी कह दिया कि मैम हमारे पास तो अब कुछ बचा भी नहीं है। बाकी ग्रुप से भी पूछा तो उनकी भी सेम रीज़न था कि भाई उस समय वो टीचर्स नज़र ही नहीं आई, लेकिन अब उन टीचर्स को बुरा लग चुका था कि पूरे स्कूल में आपने कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट की है लेकिन उन वो पर्टिकुलर 3-4 टीचर्स को हमने पूछना तो दूर, हमने उनको देखा भी नहीं कुछ, वो भी नहीं कहा। उनके क्लासरूम्स हमारे जस्ट बगल वाले रूम्स थे, फिर भी वो कैसे छूट गई आज तक मुझे समझ नहीं आया। अब हम अब सोच रहे हैं यार कि अब मैम को बुरा लगा होगा, अब पूरी साल मतलब मैम का मूड खराब रहेगा हमसे और उसका भाई हमें नतीजा भुगतना ही पड़ेगा। अब हम सब सोच रहे तभी मेरे पीछे सीट पे बैठे लंबू ने बोला कि हमारे पास है, एंड वी वर लाइक कि हमारे पास नहीं है। हम लोग अपना आर्ग्यूमेंट में लगे कि नहीं नहीं मैम हमारा कोई खाना नहीं बचा, हमारे पास कोई स्नैक्स बचे, ना चाट बची है, ना कॉफ़ी बची है, ना कुछ बचा है, कुछ भी नहीं बचा। कॉफ़ी के लिए तो हम 100% श्योर थे क्योंकि वो बर्तन हम लेके ही घूम रहे थे, लेकिन चाट का वो बड़ा नहीं नहीं मैंने चाट बचा के रखे, एंड वी वर लाइक कैसे। तो उसने बोला जब आपने स्टार्ट राउंड में गए थे तभी मैंने अपने लंच बॉक्स में पूरा भर के रख लिया था
और उस समय मुझे समझ नहीं आया, ना ही मेरे फ्रेंड्स को समझ में आया कि हमें उस पर गुस्सा होना चाहिए, हमें उस पर चिड़चिड़ करनी चाहिए, या हमें खुश होना चाहिए कि उसने छुपा के रख लिया। उस बुक्कड़ इंसान ने हमारी मतलब अपनी टीम की चाट चोरी की। हमने उसको पुलिस बना के रखा था, उसको बोला था निगरानी करने की, तू ध्यान रखियो भाई कि ये कोई भी आके खा ना जाए, या कुछ इधर उधर ना हो, कुछ गिरे ना, कुछ कम भी ना पड़े। उसने इतना तक नहीं सोचा कि किसी टीचर के लिए कम पड़ सकता है। लास्ट में हमने जिनने इतनी मेहनत, हम तीनों ने इतनी मेहनत से बनाया था, हमें एक चम्मच चखने को मिला था बस, उसने ये तक नहीं सोचा कि हमें कतई नहीं मिला। इतनी गुस्सा आ रही थी उस समय उस पर, लेकिन कर क्या सकते। उसने फिर अपना लंच निकाला, लंच में फुल एकदम भरी हुई चाट निकाली। फिर हमने प्लेट्स तो चलो जुगाड़ कर लिए हैं, उसने प्लेट्स में डाल के उन टीचर्स को देकर आए। लेकिन भाई उस समय हम सब ने मतलब इतना हंसी आई थी हम लोग को बाद में कि भाई इंसान ने किया क्या है। वो दो तीन लोगों ने मिल के हमारी चाट चोरी की थी यार। ऐसी थोड़ी ना कह रहे थे हम कि हमारी क्लास के बच्चे भुक्कड़ हैं, चोर हैं और ऐसी हरकतें करते हैं। हमने सोचा था कि हमें दूसरी टीम से खुद का सामान बचाना है। हमें क्या पता था कि ऐसा हमें अपनी ही टीम वालों के साथ करना पड़ेगा। यार हद होती, मतलब कोई कुछ भी कर सकता है, क्या कुछ भी हो सकता है हमारी क्लासेस में। लेकिन कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, तो एंड में उसकी चोरी भी हमारे फायदे के लिए ही काम आई। और वो चोरी एक्चुअली चोरी नहीं कहलानी चाहिए, वो एक्चुअली मस्ती थी, मजाक था, लेकिन उससे हमें ही फायदा हुआ एंड में। वो टीचर्स जो बाकी क्लास से चिड़ी थी, वो हमारी वजह से पूरी क्लास से नॉर्मल हो गई, और हमें कोई आगे जाके कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं करने पड़े जो हमें कर पढ़ सकते थे। हमें मतलब वो टीचर हमसे नाराज रह सकती थी ऑल ओवर द ईयर, और हमारी बगल के क्लासरूम है तो हमें परेशान भी कर सकती थी। बट आई नो मेरी टीचर्स ऐसा मेरे साथ कभी नहीं करती, और ना ही किसी और के साथ करती, क्योंकि टीचर्स आर द बेस्ट, यू नो। सो दैट इज इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो, और या फिर अगर आपको थोड़ी सी भी रिलेटेबल लगी हो, या अगर आपके पास भी कोई स्टोरी हो, तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में बताना, और मुझे इंस्टा पे फॉलो करना, डीएम करके भी बता सकते हो। और ये तो एक स्टोरी थी, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं। तो अगर इस वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज आ जाते हैं, तो मैं इसका पार्ट टू जरूर बनाऊंगी, 3-4, मतलब ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं। स्कूल की एक स्टोरी थोड़ी ना होती है, कई सारी होती है, और सिर्फ स्कूल की थोड़ी ना होती है। इतने सालों में इतनी स्टोरीज हो गई हैं आप लोगों को सुनाने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल सब्सक्राइब करके ही जाना।